Good morning everyone, welcome to AJ Classes. Today we will be doing modern history. 20 most important questions will be discussed, and this is the 7th video of this session, modern history. If you haven't seen the 6th previous videos, you can see from the playlist of AJ Classes, okay? And here it is written PSC, so modern history plays an important role in PSC exams. Like we have WBCS mains on 19th December. The schedule is already given in the online, you can check from the website. 19th December se prelims ke exam hai, 26th December tak ka hoga, jo ki 2020 ka jo prelims hua tha usi ka mains hoga ye 2020 wala, theek hai. Aur 2021 ka prelims ka bhi date de diya hai, 2021 का प्रीलिम्स का डेट दिया है 7 फेब 2021. तो इसमें क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि WBCS का हम लोग प्रीलिम्स जानते हैं, उसमें हिस्ट्री में 50 मार्क्स रखा गया है प्रीलिम्स के पोर्शन में सिर्फ, जिसमें से 25 हिस्ट्री में रहता है, वो मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवियल और एंशंट तीनों मिला रहता है, और एक 25 मार्क्स का INM रहता है. तो मैं जो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादातर जो कवर अप हो रहा है वो INM का ही पोर्शन हो रहा है. ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन जो है, हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929. मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपका यूरोपियन का स्टार्टिंग कुछ बताता है कि पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टिंग पोर्शन है. लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही पड़ता है ये INM. तो मैं ज़्यादातर फोकस रखा हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ठीक है. तो ये इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू. इन्होंने इंडिपेंडेंस का फ्लैग उठाया था सबसे पहले. इसके पीछे में स्टोरी ये है कि 1929 में रवि रिवर है ना, उसके करीब जवाहरलाल नेहरू नहाए थे, मतलब इसमें इस नदी में नहाए, और उसके बाद फिर ये फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस लहराए थे सबसे पहले, ठीक है. और अगर इसका डेट का बात बोला जाए तो यही से आपका ये 26 जनवरी वाला डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो इवेंट हुआ था 26 जनवरी को ही हुआ था. यहीं से स्टार्ट होता है कि फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, और उसके बाद से ही ये वाला 26 जनवरी को काफ़ी फोकस रखा गया. फिर हम लोग देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 इसमें कॉन्स्टिट्यूशन केम्स टू पावर, है ना, केम इन टू इफेक्ट. तो ये जो 26 जनवरी को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, और फिर उसको हम लोग इंडिपेंडेंस डे नहीं, सॉरी, हम लोग रिपब्लिक डे उसको घोषित किए थे, ठीक है. खैर, अब जो हम लोग देखने मांग रहे हैं ये सेकंड क्वेश्चन, द प्रीकर्सर ऑफ INC, मतलब INC से पहले कौन सा ग्रुप या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है. तो इसका आंसर है आपका इंडियन एसोसिएशन, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाया था. इंडियन एसोसिएशन 1876 में इसका फाउंडेशन हुआ है, इंडियन एसोसिएशन का, और इनके फाउंडर्स का नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है. रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय पोएट. तो कोई एक पोएट थे, और वो कौन थे, उनका नाम है मिर्ज़ा गालिब. उर्दू मीडियम के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो जानते हैं मिर्ज़ा गालिब कौन है, उनके बहुत सारे शेर वगैरह काफ़ी फेमस है. तो मिर्ज़ा गालिब थे कोर्ट पोएट बहादुर शाह जफ़र, जो कि लास्ट रूलर है मुग़ल के, बहादुर शाह पार्ट टू, जिनको पेन नेम, हर एक पोएट का एक पेन नेम होता है, तो इनका ये पेन नेम जफ़र पड़ा था, तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं बहादुर शाह जफ़र, ठीक है. उनका असली नाम बहादुर शाह पार्ट टू था, क्योंकि बहादुर शाह पार्ट वन आता है जस्ट औरंगज़ेब के बाद ही, ठीक है. मिर्ज़ा गालिब जो थे ये बहादुर शाह पार्ट टू या बहादुर शाह जफ़र के कोर्ट पोएट थे, और इन्हीं का ये जिक्र ये क्वेश्चन में आया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट वुमेन
यूनिवर्सिटी इन इंडिया? तो इसका आंसर है धंधा केशव कारवे, डीके कारवे, 1916 में। ये भी ईयर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इवेंट हुए, जैसे कि लखनऊ पैक्ट भी 1916 में हुआ, सॉरी, और लखनऊ पैक्ट जिसमें जो स्प्लिट ऑफ कांग्रेस और आईएनसी हुआ था, सॉरी कांग्रेस तो आईएनसी है, आईएनसी और मुस्लिम लीग हुआ था, लखनऊ पैक्ट में दोनों एक साथ हो गए। फिर आपका एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों ने होम रूल लीग निकाला था, होम रूल लीग, ये भी 1916 के इवेंट में ही हुआ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 1916 इंडिपेंडेंस के हिसाब से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेंड जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, द सपोर्ट यू हैव शोन इज क्वाइट अनबिलीवेबल, एंड कीप कंटिन्यूइंग टू सपोर्ट मी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ गया है और वो कुछ इस तरह से बोल रहा है कि हु गेव द कॉल टू वन रिलीजन, वन क्रीड एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड, ठीक है। तो इस कॉल को किसने दिया था, उनका नाम है श्री नारायण गुरु। ये केरला में या केरल में उस वक्त ये वाला कॉल को लगाए थे, मतलब ये बिलोंग करते हैं, श्री नारायण गुरु बिलोंग टू केरला स्टेट, ओके। हु हैड होस्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हेल्ड एट स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट जो है आपका जर्मनी में पड़ता है, लास्ट में लिखा हुआ STRUGGART, स्टुटगार्ट, ठीक है। तो ये जर्मनी में जो की थी, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, CAMA, मैडम भीकाजी कामा, ठीक है। तो इनके बारे में एक और क्वेश्चन जो अराइज होता है कि इनको बोला जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी, इसका आंसर भी मैडम भीकाजी कामा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर बोल रहा है, हु सेड इंडिया हैज टू यूनाइट एंड कंकर द होल वर्ल्ड वंस अगेन विथ इट्स माइट। अपनी ताकत से फिर से इंडिया को कंकर करना होगा, यूनाइट होना होगा और फिर कंकर करना होगा होल वर्ल्ड में, ये बोले थे स्वामी विवेकानंदा। इस क्वेश्चन का आंसर है स्वामी विवेकानंदा। अब इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि 12th जनवरी को हम लोग इनके बर्थडे में वर्ल्ड यूथ डे बनाते हैं, नेशनल यूथ डे, ठीक है, जवान लड़कों का दिन। स्वामी विवेकानंदा के बर्थ एनिवर्सरी में 12th जनवरी को, ये क्या है कि आपका इम्पोर्टेंट डेज का मैं कभी कभी देता रहूँगा, ठीक है, क्या क्या इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे 12th जैन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नेशनल यूथ डे, और क्यों मनाया जाता है, तो ये स्वामी विवेकानंदा के बर्थ एनिवर्सरी के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट जो 8th नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच उर्दू पोएट वॉज इन्वाइटेड टू 2nd and 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये RTC मतलब हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो वो उर्दू पोएट का नाम है मोहम्मद इकबाल। इससे पहले भी एक उर्दू पोएट का डिस्कशन हुआ, वो थे मिर्ज़ा गालिब, ठीक है, और ये जो है उर्दू पोएट ये मोहम्मद इकबाल, जिनको इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये 2nd and 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिए थे, जो कि ये 1931 और 1932 में हुआ था, ठीक है। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से ये आता है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब 1st,
1ST फर्स्ट हुआ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कौन अटेंड किया था? तो इसका आंसर हम लोग का जाता है B.R. अंबेडकर के बारे में, भीमराव अंबेडकर, और इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, काफ़ी नाम है इनका, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। डिप्रेस क्लास के बारे में काफ़ी इन्होंने ये किया था, स्ट्रगल किया था इन्होंने भी और गांधी जी भी मिलके। हम लोग पढ़ते हैं कि पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था, उसमें भी अंबेडकर जी का भी हिस्सा था, कुछ रोल प्ले किए थे। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे आएगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक बटन टिप दीजिए, किया जाता है, आपका काम भी हो जाएगा, मेरा थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेट ऑफ क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। नेम ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल इज एसोसिएटेड विथ, सॉरी थोड़ा सा स्क्रीन पे डिस्टर्बेंस चल रहा है, ठीक है अब, ठीक है, नेम ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल इज एसोसिएटेड विथ, तो कौन से केस के लिए राम प्रसाद बिस्मिल फेमस है? वो है काकोरी ट्रेन रॉबरी भी बोल सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी से भी ये नाम फेमस है, कॉन्स्पिरेसी या रॉबरी, ठीक है। ये 9th अगस्त 1925 में टेक प्लेस हुआ था, 9th अगस्त 1925 में हुआ था ये वाला काकोरी ट्रेन रॉबरी। इसके साथ एक और नाम एसोसिएटेड है, वो है अशफाकुल्ला खान, ठीक है, तो वो नाम है अशफाकुल्ला खान, ठीक है, वो भी काकोरी ट्रेन रॉबरी में एसोसिएटेड थे, ठीक है, मतलब मदद किए थे एक दूसरे को। तो सुभाष चंद्र बोस हैज़ फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन द एयर, इसका आंसर 1939 है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, कभी पूछता है कि हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक, तो उसका आंसर सुभाष चंद्र बोस होता है, और कभी कभी एयर भी पूछ लेता है, तो 1939 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु यूज द वर्ड स्वराज्य इन इट्स पॉलिटिकल सेंस एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो ये हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था, बाल गंगाधर तिलक जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, ठीक है, और इस चीज़ का भी आंसर फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसका भी आंसर बाल गंगाधर तिलक ही है, ठीक है, सेम। तो बाल गंगाधर तिलक के काफ़ी क्वेश्चन आता है, कि कभी आता है कि फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी कौन था, फिर कभी आएगा कि स्वराज्य वर्ड और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज कौन बनाया, तो ये भी बाल गंगाधर तिलक ही आंसर है। फिर लाल बाल पाल, इसमें भी जो बाल है इनको वैलेंटाइन चिरोल ने, इसका मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था, वैलेंटाइन चिरोल। तो ये मेरे एक ना एक मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो भी क्वेश्चन आता है बाल गंगाधर तिलक से एसोसिएटेड में, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हु वॉज कंसिडर्ड बाई गांधी जी एज हिज पोलिटिकल गुरु, तो गांधी जी किनको अपना पॉलिटिकल गुरु बनाते थे, तो उनका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, तो इनको गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं, और हम लोग पढ़े भी हैं कि 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले ही लेटर लिख के गांधी जी को साउथ अफ्रीका से इंडिया बुलाते हैं, ठीक है, 1915 में इंडिया, दिसंबर में 1914, अगर हम सही से क्लियरली बताएं, 1914 के दिसंबर में ये लेटर गोपाल कृष्ण गोखले लिखते हैं, और 9th जनवरी के अंदर, हम लोग जानते हैं कि 9th जनवरी जो कि फिर से एक इम्पॉर्टेंट डे है, जिसको बोलते हैं NRI डे, ठीक है, तो वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन गांधी जी 9th जनवरी 1915 को गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, ओके, और उसको हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज में NRI डे भी बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, हु हैज़ कॉल्ड
सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक, तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। मैं NRI Day का ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और ये नायक शब्द जो है एक बार लोक नायक के लिए भी आया था, लोक नायक का टाइटल, तो लोक नायक का टाइटल जो है जयप्रकाश नारायण को मिला हुआ है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था किसको, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट जो सेट ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ गया है, वो बोल रहा है कि द मुस्लिम्स इफ कंटेंडेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवार्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो ये बात किसने लिखा था, तो ये लिखे थे W.W. Hunter ने, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट 16 मिनट्स हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो रहा हूँ। ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, तो इसका नाम है ताराचंद, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताराचंद, ये UPPSCS में आया था 2018 में, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश का PCS में आया था ये वाला, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। अलग अलग ऑफिशियल हिस्टोरियन हम लोग पढ़े हैं, मिडिवियल के अलग होते हैं, वैसे मॉडर्न के भी अलग थे, और ये फ्रीडम मूवमेंट के बारे में ताराचंद ही है, ठीक है। हु टोल्ड डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विथ फॉरेन क्लोथ्स, तो ये महात्मा गांधी जब हम लोग बॉयकॉट मूवमेंट पढ़ते 1905 में, उसी वक्त ये काफ़ी कपड़ा वगैरह को, फॉरेन गुड्स को एक साथ रख के जलाए थे, और इसी मेथड या फिर ये वे को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये टोटल वेस्टेज है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यही है कि इस मेथड को रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे कि ये काफ़ी टोटल वेस्टेज, काफ़ी वेस्ट हुआ, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि आप फॉरेन के क्लोथ्स को जला दिए। खैर, 18 नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो इसके फाउंडर का नाम है फिरोज शाह मेहता, और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फाउंड हुआ है 1885, सेम ईयर जब INC हुआ है, ठीक है। और इनके साथ और भी दो लीडर्स फेमस हैं, एक है केटी तिलांग और एक है बद्रुद्दीन तैयब जी के बारे में आता है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो बद्रुद्दीन तैयब जी आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इन द 1907, ठीक है। तो मैंने बद्रुद्दीन तैयब जी को पहले वाले क्वेश्चन से हटा के वह आंसर लिखने के लिए मैं किया हूँ, तो इसका आंसर है अभनिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, अभनिंद्रनाथ टैगोर इसके इस्टेब्लिश किए हुए हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 में जो हुआ था। फिर उनके साथ उनका भाई भी था जिसका नाम है गगनेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो बच गया, 20th नंबर क्वेश्चन, तो उसको मैं जल्द से आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो शेष हो सके, ठीक है। 20th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, अंडर हूज सजेशन वाज भारतीय राष्ट्रीय संघ चेंज टू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन 1885, तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनल है, इन्होंने एक बुक लिखा है ड्रेन वेल्थ थ्योरी, ठीक है, पोवर्टी ड्रेन वेल्थ थ्योरी
ये लिखे थे, और बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट जो अब आपको वीडियो मिलेगा वो मिलेगा करंट अफेयर्स का, जून के पूरे करंट अफेयर्स को मैं कंपाइल कर लिया हूँ, क्योंकि फर्स्ट का मैं एक वीकली बनाया था, लेकिन अब जो है करंट अफेयर्स का उतना मौका नहीं मिल रहा है, तो मैं करंट अफेयर्स आज जून का लास्ट देने के बाद नेक्स्ट जुलाई का डायरेक्ट PDF अपलोड कर दूंगा, और थोड़ा बहुत बता दूंगा कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोर्ड में। ठीक है, 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उसमें ही फिर मैं PDF अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि जुलाई का फिर मैं अगर वीडियो बनाने जाता हूँ और फिर काफ़ी टाइम ले ले रहा है, ठीक है, तो मैं इस हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में रहता हूँ, और फिर नेक्स्ट जो हमारा मिडिवियल का भक्ति सूफी के बाद मुगल एम्पायर स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।